नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, और उससे बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई है ही नहीं, और वो फ्री है, बिल्कुल फ्री, 100% फ्री है। और उसकी एक ख़ास बात है कि मतलब वो बेस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है, मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री में जो आपको सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर मिलेगा वो है। वो इतना एडवांस है कि वो प्रीमियर प्रो या फिर एडोब का जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहे हैं, जो भी है उसको वो टक्कर दे रहता है। मतलब एकदम भयानक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आपको चलाना है तो आपके पास i3 होना चाहिए, i3 से कम ने का प्रोसेसर नहीं होना चाहिए। अगर कहने का मतलब बढ़िया से चलाना है तो वैसे तो मतलब बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं, पेटीएम डिप जलाएगा तो हैंग करने लगेगा, इसलिए i3 मिनिमम है, रिक्वायरमेंट है उसका। हम इसलिए i3 बोल रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम i3 पे मतलब चलाए हुए खुद, और इसलिए बोल रहे हैं कि i3 पे वो एकदम बढ़िया से चल जाता है, लगभग ठीक ठाक चल जाता है। कहने का मतलब उतना भी एकदम फ्लुएंट नहीं चलता है, लेकिन चल जाता है, ठीक है। और आपके पास दूसरा रिक्वायरमेंट है, कम से कम 2 GB ग्राफिक्स होना चाहिए, शेयर्ड ग्राफिक्स 2 GB होना चाहिए, इंटेल का कोई भी HD ग्राफिक्स हो तो चलेगा, उससे कम ग्राफिक्स होगा तो मतलब जो है सो आपका जो है सो दिक्कत करेगा। वीडियो जब एक्सपोर्ट करेंगे उससे तो बेसिकली जो है सो आपको कम से कम मतलब HD ग्राफिक्स होना चाहिए, बढ़िया ग्राफिक्स होना चाहिए, लगभग 2 GB। तो वो जो है सो एक्सपोर्ट के समय जो है सो ग्राफिक्स का यूज़ ज़्यादा करता है, प्रोसेसर का भी ज़्यादा करता है, दोनों का यूज़ करता है। बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ प्रोसेसर का यूज़ करता है, लेकिन वो ग्राफिक्स का भी यूज़ करता है और प्रोसेसर का भी यूज़ करता है, इसलिए आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए। कई बार लोगों के i5 कंप्यूटर में नहीं चलता है, i5 जो मतलब प्रोसेसर होता है इंटेल का, उसमें नहीं चलता है। इसका रीज़न होता है कि उसके कंप्यूटर में ग्राफिक्स ठीक नहीं होता है, तो इसलिए ग्राफिक्स मस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास i3 प्रोसेसर है फिर भी चल जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम बताते हैं आपको, बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फ़िलहाल हम विंडोज़ नहीं खोले हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये उबुंटू है, ये विंडोज़ नहीं है, और उबुंटू कस्टमाइज है, लगता है iOS की तरह। अगर आपको जानना है कि कैसे हम इसको कस्टमाइज़ किए हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो जो उस क्या कहते हैं मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम है डाविंची रिजॉल्व, डाविंची रिजॉल्व। अभी लेटेस्ट उसका डाविंची रिजॉल्व है वो 16 है। डाविंची रिजॉल्व जब आप टाइप कीजिएगा तो ऊपर में ही आ जाएगा, डाविंची रिजॉल्व 16 बाय ब्लैक मैजिक डिज़ाइन, ठीक है। इसका दोनों सॉफ्टवेयर है, फ्री भी है और मतलब क्या कहते हैं पेड भी है, ठीक है। तो ये इसमें आपको उतना रुपये जितना प्रीमियर प्रो, हाँ याद आ गया, प्रीमियर प्रो में आपको जितना पैसा देना है पर मंथ, उतना इसको वन टाइम देना है, और ये आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ डाविंची रिजॉल्व पे आ गए, डाउनलोड पे क्लिक कर दें, डाउनलोड पे क्लिक कर सबसे ऊपर में ही डाउनलोड आ जाएगा। आपको हम पूरा प्रोसीजर बता देते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये डाविंची रिजॉल्व इसी तरीके का कुछ दिखता है इसका UI। आप डाविंची रिजॉल्व के बारे में बहुत सारा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, आप जाके जो है सो वीडियो चेक। खुल क्यों नहीं रहा भाई, खुल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दो है अभी फ़िलहाल, आपके समय में हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए, या फिर आप मतलब जैसे स्टूडियो 16 है ना, बीटा है, तो यहाँ पे 16 17 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्जन हो सकता है अगर आप फ्यूचर में देख रहे होंगे तो। तो यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व मेरे केस में 15 है और डाविंची रिजॉल्व 16 बीटा है। तो एक बात याद रखे, आपको स्टूडियो वाला नहीं करना है, डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो नहीं करना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं भाई नहीं चला, ये हो गया। डाविंची रिजॉल्व 16 यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीटा या स्टूडियो, डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो 15, ये बेसिकली जो है मतलब उन लोगों के लिए है जो पेड वर्जन लेना चाहते हैं। ऊपर में नहीं लिखा हुआ है कि ये पेड है कहीं भी, लेकिन आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, एकदम से नीचे एकदम स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डाविंची रिजॉल्व स्टूडियो 15 टू
जो है सो $299 का है, और दो विन सीरीज 12 स्टूडियो 16 बीटा जो है सो $299 का, दोनों $299 का है, और द विन सीरीज ऑफ 16 और द विन सीरीज ऑफ 15 जो है सो पेड है। तो आप कोई भी वर्जन चूज कर सकते हैं। हम फिलहाल जो है सो यहाँ पे 16 वर्जन चूज किए थे, और मेरे लैपटॉप में जो है सो विंडोज़ वाले, इसी लैपटॉप में एक्चुअली डुअल बूट है, तो इसी के जो विंडोज़ वाले में जो है सो हम द विंसी रिजॉल्व 16 जो है मतलब इंस्टॉल करके रखे हैं। आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, ये लिनक्स में भी चलता है, लेकिन लिनक्स में आपको जो है सो ये सिर्फ चलेगा आपको किस में, CentOS, हाँ CentOS में चलेगा, उसके अलावा किसी भी लिनक्स में चलता है। ये CentOS का फाइल ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज़, तो विंडोज़ हो गया, मैक ओ एक्स, मैस ओ एस एक्स दिए हुआ है, तो उस पता नहीं इसका मैक ओ एस का नहीं पता भाई, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम विंडोज़ की बात करते हैं, तो आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, विंडो 16 में है, मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्म देगा, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, फॉर्म देखिएगा तो यार कहेगा ये क्या हो गया वो क्या। सिंपल से आपको यहाँ नाम डालना है, लास्ट नाम डालना है, कंपनी डालना है, ईमेल आईडी जेन्युइन होना चाहिए क्योंकि आप डाउनलोड कर रहे हैं, फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। ये रिकॉर्ड रखने के लिए उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद कंट्री डालना है, उसके बाद स्टेट डालना है, उसके बाद सिटी डालना है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ भरने का मन है कि मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी भरने का मन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेल अस हाउ यू यूज दिस सॉफ्टवेयर मैजिक, दिस ब्लैक मैजिक प्रोडक्ट, तो आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद विच फीचर शुड बी एड, मतलब यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं कि कौन सा फीचर जो है ऐड करना चाहिए। ये हो गया, उसके बाद रजिस्टर एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं शुरू हुआ तो फिर से जो है सो वहाँ पर एक लिंक देगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो द विंसी रिजॉल्व मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है, फ्री है, कलर ग्रेडिंग इसका ज़बरदस्त है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है, एकदम कहना एडवांस सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और अब जो है सो आपको हम प्रोटी, अब यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो हम कुछ अच्छा भी चीज़ बता देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जो है मतलब बहुत सारा जो है लोग जो है सो मोस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, देखिए मोस्ट एडवांस नहीं, बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फॉर पीसी, और सॉरी एक हाथ से माइक पकड़े हुए हैं, एक हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो है। हाँ, तो ऑप्शन में आएगा अडोब प्रीमियर प्रो सीसी, फाइनल कट एक्स प्रो जो कि मैक में चलता है, फाइनल कट, उसके बाद अडोब प्रीमियर एलिमेंट, ये भी विंडोज़ का है, और अडोब प्रीमियर प्रो सीसी, ये भी विंडोज़ का है, और ये काइन मास्टर जो है सो काइन मास्टर जो है सो मोबाइल के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है सो बता रहा है बेस्ट है पेड में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये सब नहीं, ये सब नॉर्मल लोगों के लिए है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एडोब प्रीमियर प्रो सीसी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए कि मतलब जो बेस्ट हो हर एक चीज में, तो आपको वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर सर्च करना है, एविड, एविड, ठीक है, एविड टेक्नोलॉजी का जो एविड सॉफ्टवेयर है, ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है। अगर आपको नॉर्मल लोगों के लिए पेड चाहिए तो ऑफ कोर्स प्रीमियर प्रो के साथ जाइए, या एडोब के साथ जो भी है, एडोब प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड, इंडस्ट्री लेवल का, तो आपको एविड ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एविड जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में। ये जो है सो जनरली फिल्म मेकर यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर से हैरी पॉटर बना था, इसी सॉफ्टवेयर से एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या इंडी गेम, इसी दोनों में से कोई एक बना, शायद मेरे ख्याल से दोनों ही बना था इसी से, और भी बहुत सारा मूवीज जो है सो इससे जनरली, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट एंड डिलीवर एनी वेयर टीवी फिल्म ओटीटी, ये जो है सो इंडस्ट्री बेस्ड जो है सो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये जनरली वो लोग यूज़ करते हैं जो मतलब फिल्म मेकर्स है, हॉलीवुड सब में इसी सब का यूज़ होता है, और बहुत सारे
सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, जैसे कि एडोब का, प्रीमियर प्रो का भी यूज होता है, लेकिन उस सब का कम होता है। कहने का मतलब बेस्ट जो बड़ा बड़ा मूवी होता है ब्लॉकबस्टर, उस सब में इसका यूज होता है एविड का। ये देख सकते हैं एड लगा के रखा है वंडर शेयर का, जो फिल्म हो रहा है अपना बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। खैर, और एक मोबावी भी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख सकते हैं आया है 1699 का, पता नहीं कैसा है। लेकिन जो भी हो, तो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको प्रोफेशनल लेवल का चाहिए तो एविड पे जाइए, और अगर नॉर्मल पीपल के लिए प्रोफेशनल में चाहिए तो एडोब प्रीमियर प्रो, या फिर मैक ओएस पे है तो फाइनल कट प्रो। यही जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यही जो है मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर सब जो है सो के बारे में बात करना था। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के लिए बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा का, दो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एक है व्लॉगिट और एक है एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल। टाइप करते हैं तो देखिए किसका आएगा। देखिए मोबाइल में बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो नो डाउट जो है सो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं काइनमास्टर है। काइनमास्टर इसलिए है क्योंकि उसमें ग्रीन स्क्रीन जो है सो आप एडिट कर सकते हैं, इसीलिए वो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उससे ज़्यादा बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो है फिल्मोरा गो। और फिल्मोरा गो और फिल्मोरा का ही एक और आता है जिसका नाम है क्या नाम है यार अभी बताए थे, हाँ व्लॉगिट। देखिए आप यहाँ पे 10 बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर जो है सो फिल्मोरा गो का नाम दे रहा है, देख रहा है ना, ये आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। और उसके बाद एडोबी प्रीमियर क्लिप भी है सेकंड नंबर पे, लेकिन है ये सब भी। कहने का मतलब कि काइन मास्टर अगर आपको मतलब क्या कहते हैं ग्रीन स्क्रीन पे करना है तो यूज करना है तो बेस्ट है, और अगर नहीं तो फिल्मोरा गो के साथ जाइए और व्लॉगिट दोनों ही इंस्टॉल कीजिए। हम तो इंस्टॉल की मैं फिल्मोरा ग्लो, काइन मास्टर और व्लॉगिट, तीनों का तीनों। और क्विक भी, क्विक जो है सो अगर आप जानते होंगे कैमरा के बारे में ज़्यादा तो आपको पता होगा कि GoPro एक कैमरा कंपनी है जो कि एक्शन कैम बनाता है, तो उसी का ये सॉफ्टवेयर है मतलब क्विक। तो ये बेसिकली बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, मूवी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो क्विक भी इंस्टॉल किए हैं, तो बेसिकली हम इंस्टॉल किए हैं क्विक, काइन मास्टर, फिल्मोरा गो और व्लॉगिट। ये चार सॉफ्टवेयर अगर आप कर लीजिएगा अपने फ़ोन में तो उससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, कोई टक्कर नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया फ़ोन का, मैंने फ़ोन का एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता दिया, मैंने जो है सो पीसी का बता दिया, मैंने जो है मतलब क्या बोलें, हाँ पीसी का फ़ोन का बता दिए, दोनों बता दिए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर उबुंटू। उबुंटू जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हम चला रहे हैं वो उबुंटू ही है। बेसिकली कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उबुंटू। आप देख सकते हैं मेरा जो है ये उबुंटू 18.4 है, 18.10 है। तो बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपको उबुंटू के लिए चाहिए लिनक्स बेस्ड, तो आप जाइए बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपनशॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर, यहाँ पे उबुंटू अगर टाइप करेंगे हम, ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम चलाए हुए हैं सभी को, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टॉप पे लिख रहा है। टॉप पे हम लिखने का मतलब है कि मतलब हम इसलिए बता रहे हैं, दिखा रहे हैं बस आपको प्रूफ, ठीक है, लेकिन हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया जो सॉफ्टवेयर है उबुंटू के लिए वो है ओपन शॉट, इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। ओपन शॉट के वेबसाइट पर जाइए, उसका फाइल डाउनलोड कीजिए, 153 MB के आसपास आता है इस समय, वर्तमान में 153 MB के आसपास है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए घट जाए क्या पता। और लेकिन ये उतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन शॉट, थोड़ा सा अगर आप इसको क्या कहते हैं याद रखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा। आप इसको उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर से डाउनलोड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में ओपन शॉट है लेकिन पुराना वाला है, समझ गया, नया वाला जो ओपन शॉट आता है वो इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट जो है सो रन करता है, ठीक है। तो बेस्ट आर्ट मतलब ओपन शॉट जो है सो ओपन शॉट बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उबुंटू के लिए। और अगर सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो पिटवी है, पिटवी ये देख रहे हैं पिटवी, लेकिन पिटवी में एक प्रॉब्लम है कि पिटवी जो है सो मतलब यार हैंग करते रहता है, मतलब क्रैश करता है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पे क्रैश कर जाएगा, एक्सपोर्ट करते समय क्रैश कर जाएगा,
तो ये कभी कभी सभी सिस्टम में ये नहीं ठीक से चलता है, इसलिए हम इसको जो है पीछे कर दिए हैं। लेकिन ये भी बहुत ही लगभग ओपन सोर्स के बराबर का ही सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर में विंडोज़ के लिए भी सेकेंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका जो है सो डाविंसी रिजॉल्व, जिसके बारे में हम शुरुआत में बताएं, और सेकेंड नंबर पे आता है ओपन सोर्स। तो हम कंप्लीट बता चुके हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा जो है सो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है, ठीक है। हम सभी को यूज किए हुए हैं, तभी बता रहा हूँ ओपन सोर्स यूज़ किए हुए हैं, सभी लगभग यूज़ किए हुए हैं। डाविंसी रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल डाविंसी रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यार जो प्रीमियर प्रो का है जो बहुत पैसा देना पड़ता है, उसमें उतना पैसा है नहीं हमारे पास, तो मंथली भी उतना कमाई नहीं है, उतना हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बर्बाद करते हैं। खैर, तो इसीलिए जो है सो हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं डाविंसी रिजॉल्व। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इस तरीके का कस्टमाइज अगर करना है ना अपने Ubuntu सिस्टम को, तो मेरे क्या कहते हैं मेरे जो है सो चैनल पे देख लीजिए वीडियो आपके। और अगर आप विंडोज चला रहे हैं और आपको इस तरीके का मैक ओएस वाला लुक चाहिए एकदम, इस सिस्टम को मैंने ऐसे कस्टमाइज कर रखा है कि मतलब बूट कीजिएगा तब भी मैक दिखाएगा, मैक ओएस का एनिमेशन आएगा, सब चीज़ मैक ओएस की तरह है, बस आपको जो है अबाउट में जाइएगा तो Ubuntu दिखाएगा, तो इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो कस्टमाइज़ किए हुए हैं, तो अगर आपको स्विच कर लीजिए Ubuntu पे अगर आप विंडोज यूज़र है तो, या डुअल बूट में रखिए Ubuntu और क्या कहते हैं विंडोज। आपको एक पता होना चाहिए कि मतलब Ubuntu बहुत सिक्योर है विंडोज से ज़्यादा, और लिनक्स बेस्ड है तो इसलिए सिक्योरिटी तो होगा ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।